बाप की नींद उड़ जाए, माँ बाप ना सो पाए। इनके माँ बाप तो पता नहीं कैसे सोते, हमारे बाप तो नहीं सो सकते, हमारे माँ बाप नहीं सो सकते। मेरी बेटी में इज्जत का कारण सी, मैं उसने एमसीएम डीएवी चंडीगढ़ पढ़न लाया। बीए दे विच बीए भाग पहला दे विच जदों पढ़न लगी तां पता लग्या कि होस्टल दीआं टाइमिंग इन्नियां ने, उस दे विच तुसी लैपटॉप नहीं रख सकते, तुसी इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। मैं उन्होंने पूछा कि मैं अपनी बेटी नूं इत्थे पढ़न वास्ते भेज रहे हां ते अज दे जमाने दे विच ओह लैपटॉप नहीं यूज कर सकदी, इंटरनेट यूज नहीं कर सकदी, तां की सारे ज्ञान दे स्रोत तुहाडे कोल इत्थे मौजूद हैगे ने कि उस नूं किसी चीज़ की लोड़ ना हो। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये इनके साथ कोई नहीं, अगर होता नहीं यहाँ बैठे होते, ये लड़कियाँ जो ऑलरेडी आजादी वाली बैठी है, ये इसका मतलब आजादी नहीं होती। आजादी का पहले होता है इंसाफ, जहाँ रेमेडी है वहाँ पे राइट है, बिना रेमेडी कोई राइट नहीं है। जाके सुप्रीम कोर्ट में पहले इंसाफ दिलाओ, आजादी अपने आप मिलेगी। आजादी के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, हमारे माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप ने यहाँ भेजा तो सोच बहुत बड़ी है जो लड़कियों को यहाँ भेजा हुआ है, पर यहाँ पे आगे बोले 24 घंटे में बाहर। तो हमें तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी इतनी आजादी दे रखी है, होम गोइंग भरो जहाँ मर्जी जाओ। माँ बाप तो स्कूल की नींद सोए हुए हैं, 9 बजे एंट्री है तो हमारा बच्चा अंदर होगा। हमें पता हम सही जगह जा रही, गलत जगह जा रही, माँ बाप तो चैन से सो रहे हैं। ये चाहते हैं माँ बाप की नींद उड़ जाए, माँ बाप ना सो पाए। इनके माँ बाप तो पता नहीं कैसे सोते, हमारे बाप तो नहीं सो सकते, हमारे माँ बाप नहीं सो सकते। आप किसी पार्टी से हैं? नहीं नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं तो किसी के ना फेवर में ना किसी अगेंस्ट हूँ, ना मैं आजादी खिलाफ हूँ, मैं हूँ इंसाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाके इंसाफ मांगो ना, रीटा के रेपिस्ट को मारो, कठुआ के रेपिस्ट को मारो, लड़की अपने आप सुधरेंगे। अपनी माँ बहनों को आजादी दिलवाओ, उनको पता है अपना घर होने के बावजूद हम रात को ताला क्यों मार के सोते हैं, खोलना छोड़ के सो क्यों सो रहे अपने घर में ताला मार के, बंद क्यों करते हैं? पता है पहली प्रोटेक्शन हमें खुद रखनी पड़ेगी, फिर बाहर से हम बाद में मांग सकते हैं इंसाफ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ SFS ਦਾ ਦੋਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ SFS ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PU ਪਲਸ ਨਾਲ।